वतन अजीज़, पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी का तकरीबात शुरू हो गई हैं। कराची के कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमून ने नाजमाबाद कराची ईदगाह ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब को खिताब करते हुए कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमून ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात को जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर गुलाम मोहम्मद खान ने इंतजामिया को तफसीलात से आगाह किया। आर्मी के नुमाइंदे मेजर सैयद मोहसिन अली ने इंतजामिया को अपने मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इब्तदाई 3 मैचों का फैसला भी सामने आ गया, जिसमें मलिर ने कराची साउथ को हरा दिया, कराची सेंट्रल ने क्यामाड़ी को हरा दिया और कमिश्नर 11 ने कराची वेस्ट की टीम को हरा दिया है। कराची के कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमून खिलाड़ियों के साथ मिले भी और उन्होंने खिलाड़ियों को जज्बात को उभारा और उन्होंने कहा कि आप मुल्क के सफ़ीर हो, नौजवान हर खेल में आगे बढ़ें और उनको हम मुकम्मल तआवुन देंगे कि वो मुल्क का नाम रोशन करें। उस मौके पे आर्मी के नुमाइंदे सैयद मोहसिन अली ने भी नौजवान खिलाड़ियों को कहा कि वो आगे बढ़ें और बड़े जोश और जज्बे के साथ मुल्क के लिए खेलें, वो उनके साथ हैं। उस मौके पे जो है मैच के इंतजामिया ने उनको तहाइफ भी दिए।